तो ये सामने एम्बुलेंस में बिया और बुबू जा रहे हैं और मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ गाड़ी पे। आई डोंट नो ये बात रेलिवेंट होगी या नहीं होगी या इस बारे में मुझे व्लॉग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट सिंस मैं ये सारी कुछ जो है मेमरीज के लिए कर रहा हूँ, मेमरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि रात को जब हम सोए लास्ट नाइट व्हेन वी स्लेप्ट, तो अबीरा जो इतना हंस खेल रही थी उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। एकदम से उसको सारी बॉडी पे इच होने लग गई और वो कंप्लेन करने लगी कि उसको सारा इच हो रही है, बट जैसे तैसे करके सो गई। एंड सुबह हुई और मैं अपने वर्क प्लेस पर चला गया, मुझे बूबू की कॉल आई और उसने बताया कि अबीरा को स्वेलिंग हो रही है। एंड उसने जब मुझे पिक्चर सेंड की उसमें कुछ नॉर्मल थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी। देन हम थोड़ा सा वेट किया एंड अराउंड हाफ एन आवर के अंदर अंदर उसकी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे अपना वर्क प्लेस पर काम छोड़ के मुझे वापस घर आना पड़ा। और घर आते साथ ही जब मैंने उसकी हालत देखी, ये पिक्चर जो देख रहे हो, तो इस तरह की उसकी हालत हुई थी। और मैंने जल्दी से 999 पर कॉल की और एम्बुलेंस आ गई। एंड एम्बुलेंस जो है बीरा और बूबू को लेके हॉस्पिटल चले गए। ऑब्वियसली मैं उनके पीछे गया, बट कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसी हैं कि मैं अंदर नहीं जा सका हॉस्पिटल के, जस्ट एक बंदा अलाउड था, या तो फिर बूबू जा सकते थे या मैं जा सकता था। तो आई प्रेफर्ड कि यार बूबू उसके साथ रहे और मैं जो हूँ उनके साथ साथ पीछे पीछे रहूँ। तो और इतना मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। ऑब्वियसली इतना सब कुछ रश में हो रहा था, ऐसे टाइम पर अक्सर ऐसा हो जाता है। तो आई थॉट कि वापस घर आ जाऊँ और घर आके फ़ोन चार्ज कर लूँ जितनी देर में उनकी कॉल आए, तो उनको एटलीस्ट ये ना हो कि आगे मेरा फ़ोन बंद हो और उनको वो वहाँ पे स्टक हो जाए या ऐसा कुछ। तो मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे चार्ज पे लगा लिया, अब उनकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। तो ये चल रहा है आज। बट एनीवे, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू आवर लाइफ। अभी डॉक्टर ने चेक किया है, वो कह रही है कि किस चीज से एलर्जिक रिएक्शन है, आपने कोई डाइट में न्यू चीज इंट्रोड्यूस किया या जो भी, वो आपको फाइंड आउट करना है। अभी अभी बूबू की कॉल आई है और उन्होंने बोला है कि डॉक्टर ने बोला है कि देर इज़ नथिंग लाइफ थ्रेटनिंग, बस कुछ नॉर्मल एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उसे किसी चीज़ से। अब किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है, वो सारा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है उनको हॉस्पिटल में। तो थैंक गॉड के कुछ सीरियस नहीं है, बट डर गए थे हम लोग सब। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से निकलते। भैया आप आ गए, भैया आप ठीक हो? से हाय जीनू, कैसी हो? अभी मैं भाई बहुत छोटी थी। अभी स्वेलिंग कम हुई है आपकी, थोड़ी सी कम लग रही है ना? अब ठीक हो? इच्छी हो रही है? नहीं। डर गई है ना वो, एक्चुअली वो डॉक्टर से डर गई है कि इच्छी हो रही थी तो डॉक्टर पे दोबारा ना ले जाए। एश, एश, मेरा बच्चा सर नीचे करो। एश, बाबा, जी अभी अभी हम घूमेंगे, थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे, ठीक है? ठीक हो मेरा बच्चा? अभी भैया की दवाई लेनी है और बस। क्या लेना बेटा आपने? कुकी चिप्स। कुकी एंड चिप्स? कुकी चिप्स। ओके। कुकी चिप्स क्या होते हैं? हाँ, एक बच्ची को खाते इसने देखा तो अपना नाम दे दिया कुकी चिप्स। कुकी चिप्स को क्रैकर कहते हैं, क्रैकर्स लेंगे, ठीक है? ये ठीक है मेरा बेबी? आप ठीक हो? आई लव यू। क्रैकर्स। अच्छा, इनको वाइप करके देना घर जाके, ओके? नो। बच्चे किसी भी ओकेजन पे कुछ भी वर्ड सीख लेते हैं। अभी अभी मैंने अबीरा से पूछा फोन में क्या आता है। दादू कहाँ है? दादू घर पे, आपका वेट कर रही है दादू। फोन में क्या आता है? इज्जत है। दादू घर पे वेट कर रही है आपका। तो ये वाला जो सिरप है ये दिया है बिया को, 3 times a डे देना है। और एलर्जी जो है वो खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी एलर्जी किस चीज़ से हुई है। अब वो साथ साथ एज वी गो अलॉन्ग पता चल जाएगा कि एलर्जी एक्चुअली थी किस वजह से। शरारती तुम्हारी फिर भी वैसी की वैसी है। अच्छा चलो अब रेस्ट करो, इतना स्वेल हो गया मेरा बेबी, इतना मोटू मोटू हो गया है। नंगू पांडा, यो ये क्या है? स्पाइडरमैन। अच्छा, हम बिया को लेके घर आ गए। तो आज के ब्लॉग को, वीडियो को या जो भी कह लो, इसको यहीं पे एंड करते हैं। और बिया जो है वो ऑलरेडी अपनी मेडिसिन पकड़ के रेडी है। थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग है अभी भी, है ना? तो एज ऑलवेज, तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते मिलते।